ओम शांति। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही है, और कई बार तो वो इस प्रकार से आते अचानक, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, कभी काम फेल हो जाना, कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या फिर रिजेक्शन, जो भी है। अब बहुत दिल लगाकर कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता ही नहीं मिल रही है, और फिर उस समय हम सोचना शुरू करते हैं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही रहे हैं, और हम बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को, इस विघ्न को हम कैसे दूर मिटा सकते हैं, कैसे हम इसको नष्ट कर सकते हैं? एक छोटा सा उपाय। जब भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है और ऐसे लगता है फलाने व्यक्ति के कारण ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है, तो सिंपल एक काम करना, अपने दिल से उस व्यक्ति के लिए ये कहना, शुभ कामना देना, शुभ दुआ देना, थैंक यू वेरी मच। आप कहेंगे ऐसे कैसे, उस प्रॉब्लम में तो मेरे जीवन में कितना सारा स्ट्रेस है, कितना सारा टेंशन है। हाँ है, लेकिन उस व्यक्ति को शुभकामना क्यों देना? क्योंकि वो प्रॉब्लम जो आया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माय पास्ट कर्म। ये व्यक्ति मेरे पास्ट कर्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए निमित्त बना है, ये मेरा विकर्मों का बोझ हल्का करने के निमित्त बना है, इसलिए थैंक यू कहना है, और वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसे मैंने कट करनी है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रॉब्लम लाने के निमित्त बनता है ना, तो उसके प्रति कटुता मन में पैदा होती, गुस्सा आता है, और इसी गुस्से के कारण हम सही रूप से सोच नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। हमें इसको भी मिटाना है, और इसीलिए उस रिश्ते के हम इस प्रकार से कहे, मन ही मन उसको बहुत अच्छा थॉट दे, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यार का है, बहुत स्नेह का है, आपका और हमारा संबंध स्नेह वाला है, थैंक यू। यस, इससे हम दो रिश्तों के बीच की जो एनर्जी है ना, वो बहुत इजी नेचर वाली हो जाएगी, धीरे धीरे वो कटुता नष्ट होती जाएगी। तीसरा, ये प्रॉब्लम क्यों आया है? ज़रूर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई मेरे से गलती हो गई है, ये मेरे अंदर की गलती मुझे दिखाने के लिए, रियलाइज़ कराने के लिए ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है। चलो अपने अंदर की गलती को ढूंढना शुरू करो, और यस, ये विघ्न कैसे मिटेगा? परमात्मा का प्यार, और उस प्यार की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को इस प्रॉब्लम को मिटाने में लगा दो। वो परमात्मा जो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, वो परमात्मा जो बहुत विश्व कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है, उस परमात्मा से मुझे प्रेम की एनर्जी मिल रही है, और इस प्रेम की एनर्जी से मैं उस प्रॉब्लम को नष्ट कर रही हूँ, इस दृश्य को रोज़ देखे, बार बार देखे। परमात्मा का प्यार, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी दुआएं, उसकी छत्र छाया हमारे विघ्नों को नष्ट कर देती है, इसे रोज़ ले। एंड लास्ट, विघ्नों को नष्ट करने के लिए
हमें जो भी सही कदम उठाना है वो सही कदम अवश्य उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं और अपने आप को संकल्प दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस संकल्प को बार बार रिपीट करें और मेरे से निकलने वाली ये शक्ति की ऊर्जा सारे विघ्नों को नष्ट कर रही है, नष्ट कर रही है। जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो महसूस करेंगे प्रॉब्लम आया चला गया, लेकिन मेरे अंदर की ऊर्जा को बढ़ा के गया, मेरे रिश्तों को ठीक करके गया। हैप्पी डे।